अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं बनाने वाली हूँ ये तकिया बनाऊंगी, लेकिन ये पिछली वीडियो की तरह मैं दूसरी नहीं बनाऊंगी, दूसरी तरह बनाऊंगी। इसको मैं टिक्की की शेप दूंगी साथ इसके। तो ये मैंने तकिया लिया है, इस तकिया को मैंने एंजी टेप की मदद से नहीं नापना। ये देखिए, मैं इसको, ये मेरे पास इधर नेफा बना हुआ है, इसका इस साइड पे मैं नेफा ही बनाऊंगी, लेकिन इस साइड पे मैं टिक्की बनाऊंगी। और टिक्की के लिए मैंने ये इधर तक लेके नहीं आना, इधर तक लेके आऊंगी ये कपड़ा, इधर तक ही बस, ठीक है, ताकि ये मेरी इतनी इस साइड पे टिक्की बन जाए। और टिक्की के लिए मैंने नापने के लिए ये मैंने डिश ली है, आपके पास कोई भी चीज है तो आप ले सकते हैं जो गुलाई में हो। तो मैंने इसको इस साइड पे इस तरह लेना है। तो ये अब मैं ये कपड़ा लूंगी और इसको मैं ये डिश लूंगी, क्योंकि आप इससे थोड़ी छोटी भी ले सकती हैं। तो अगर आपका तकिया थोड़ा बड़ा है चौड़ाई में तो आप इससे बड़ी भी ले सकती हैं। तो मेरे पास नॉर्मल तकिया है, तो मैं इसकी ये वाली ये डिश लूंगी, आम डिश जो होती है सबके घरों में होती है। तो ये आप ले लें, तो इसको इस तरह गुलाई की शेप दे दें, इस तरह। ये आपको निशान नजर आ रहा होगा, आप इसी के निशान के मुताबिक कटिंग कर लें। ये चीज बन जाएगी। इसी तरह आप सेम टू सेम यही गिलाफ उठा के अगर तक वो जो मुड़ा होता है उसके ऊपर डालेंगे तो उसका भी ये कवर बन सकता है। तो ये मैं वैसे तकिया बना रही हूं, तो ये मेरे पास टिक्की है, तो मैं इसको अब सिलाई करना आपको बताती हूँ। ये मेरे पास चौरस कपड़ा है, अब आप इसको मैं ऐसे इधर सिलाई लगाऊंगी, सिलाई लगा के इस साइड पे नेफा बनाऊंगी। तो इधर मैं टिक्की लगाऊंगी, ये साइड सिलाई लगा के इधर से मैंने नेफा बना लिया है। अब मैं ये टिक्की लगाना बताऊंगी कि ये मैंने किस तरह लगानी है। मैंने इसको ऐसे पकड़ के इसको मैंने इस तरह रख लेना है, तो इस तरह मैं डिपोट डालती आऊंगी। आप धागे वाली चोंटे भी डाल सकती हैं, ये डिपोट भी डाल सकती हैं, आपकी मर्जी है, दोनों तरीके से सिलाई हो सकता है। अब मैं इस तरह डिपोट डालती आऊंगी तो ये बताऊंगी किस तरह ये तैयार हो गया है। क्योंकि जिधर से खत्म करना है उधर से जाके ये शुरू करना है, उधर से जाके ये खत्म कर देंगे। तो ये डिपोट डालते जाएं, ये ना हो कि एक साइड पे आपके लिए डिपोट के लिए कपड़ा ही ना बचे और एक साइड पे आप जोड़ जोड़ के डालते जाएं। आप इनको सही मैनेज करना है सारे कपड़े को। आपने ये बराबर लेके जाना है और बराबर लेके जाते हुए आप ये वाला सिलाई आगे पीछे ना लेके जाए, क्योंकि गुलाई भी प्यारी नहीं बनेगी। ये आपने ध्यान रखना है कि ये आपने कपड़ा पूरा एक जैसा बराबर लेके जाना है।
ये देखिए गुलाई में इसको मैंने ये टिपोट लगा के टिक्की को लगा ली है। अब मैं इसको सीधा करूंगी। सीधा करते हुए ये कुछ इस तरह दिखेगा, ठीक है। अब मैं इसको तकिए के ऊपर ऐसे चिढ़ा लूंगी। आप इसके अंदर या इलास्टिक डाल लें या डोरी डाल लें या कुछ भी आप जिस जो आपकी सहूलत है जो आपके पास है वो आप डाल सकते हैं ताकि ये नीफे की आपने इधर से जिस तरह ये इस तरह बना हुआ है इस तरह आप बना सकें। ये देखें ये तो सेम हो गया उसी तरह जो मैंने पुरानी वीडियो अपलोड की थी। ये देखें ये कितना प्यारा लग रहा है इधर से। ये थोड़ा दूसरी तरीके का है, तो अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपको पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।